अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बहुत ज़बरदस्त किस्म की भिंडियाँ बनाएंगे, जिसको ओकरा भी कहते हैं, लेडी फिंगर भी कहते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनेंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भिंडियों को हम वॉश कर लेंगे। इनको कभी कट करके वॉश नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो स्लाइमी हो जाएंगी। अब इसको हम ड्राई करेंगे। मैंने किचन टॉवल टिश्यू ले लिया है, इसके ऊपर अब मैं सारी भिंडियाँ सेट करूँगी। उसको दूसरे टिश्यू पेपर से टैप करके ड्राई कर लूँगी और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी। ओकरा ऑलमोस्ट ड्राई हो गई हैं, अब मैं इनको कट करूँगी। ऑलमोस्ट हाफ इंच पीसेस में मैंने इनको कट किया है। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हैं कुक होने के लिए। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऑयल ले लिया है। अब इसमें 1 मीडियम स्लाइस्ड अनियन डाली है और 9 to 10 पीसेस रेड होल चिलीज ली हैं। उनको थोड़ा फ्राई करने के बाद एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं सीजर की हेल्प से मैं इनको कट करूंगी। अब मैंने ऑयल में ज़ीरा ऐड किया है, क्रश्ड होल चिलीज ऐड कर दी हैं, चॉप्ड ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, सॉल्ट ऐड किया है। अब मैं इसमें भिंडियाँ ऐड करूँगी। अभी मेरा फ्लेम मीडियम टू हाई है, इसमें हम वाटर बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। तो पहले आप इसको हाई फ्लेम पर मिक्स कर लें। 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पर आप कुक करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। ये देखें, भिंडियाँ ऑलमोस्ट रेडी हैं। इसमें हमने वाटर बिल्कुल ऐड नहीं करा और ये बिल्कुल स्लाइमी नहीं है। ये देखें, बिल्कुल अलग अलग हैं। अब हमने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आप इसको हॉट चपातीस के साथ खाएं या आप राइस के साथ खाएं, जैसे चाहें आप इसको खाएं, इंजॉय करें। ये बहुत हेल्दी वेजिटेबल है, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, बहुत से न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसमें बहुत विटामिंस होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखें, भिंडियाँ बहुत ज़बरदस्त बनी थी, इनकी खुशबू बहुत अच्छी थी, टेस्ट बहुत अच्छा था। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।